आज के समय को एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एसएससी सीजीएल सीपीओ जीडी सीएचएसएल, ठीक है, इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। एमटीएस मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एमटीएस के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सीजीएल के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, सीपीओ जीडी सीएचएसएल और एमटीएस के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा 2019 से 2022 तक, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 का एक गुणज है, ठीक है। क्या कहा गया है, जो 5, 8 और 15 का एक गुणज है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तरीका ये है कि इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे तो वह छोटा गुणज आपको पता चल जाएगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। पहला तरीका मैंने बताया कि आप इनका एलसीएम निकाल करके आप पता कर सकते हैं जो जो इन तीनों से डिवाइड होगा, इतना क्लियर है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको बताना क्या है, छोटा से छोटा आपको बताना है, तो कौन सी इसमें सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इस तरह से आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये कि ये जो संख्या दी गई किसी का एक फैक्टर करिए, ठीक है, मैं 15 का कर ले रहा हूं, 15 का फैक्टर करूंगा तो इसका मिले कितना मिलेगा, ये 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। कहने का मतलब ये है कि अगर जो संख्या, अगर ये इसका फैक्टर है ना, मैंने क्या किया, 15 का फैक्टर किया, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 और 5 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगी वो 15 से भी क्या होगी, हर हाल में डिवाइड होगी, क्योंकि ये इसका क्या फैक्टर है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि 3 और 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 3 और 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। देखिए 3 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 5 से चेक करते हैं तो 5 से ये तीनों कट रहे हैं, यानी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, तीनों ऑप्शन कट रहे हैं। यानी अगर ये 5 से कट रहे हैं तो देखिए इससे चेक कर लिए 5 से तो कट ही रहे, 8 से चेक कर लिए तो ये 8 से कटेगा क्या, 8 7 56, यानी 8 से ये नहीं कटेगा, 8 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब इसके बाद चेक करते हैं इसको, 8 7 56 और 4 इधर के 8 5 40, यानी 8 से कट रहा है, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, ये भी कितने से कटेगा, ये भी आपका 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 15 से कटेगा। लेकिन आपसे पूछा कि सबसे छोटा गुणज पूछा है, तो सबसे छोटा गुणज आपका ये होगा, ये तो ये भी कट रहा है लेकिन ये क्या इससे बड़ा है, तो आपसे पूछा कि सबसे छोटा गुणज, तो इसका डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। या जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का करना क्या आपको 5, 8 और 12 का करना क्या आप, सॉरी 15 है, 15 का क्या करना आपको, एलसीएम आपको निकालना है, यही तो मैंने आपको पहला तरीका बताया। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड जो बताया उसको एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये चेक करना है क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, 5 देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा 15 को, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दी, कहने का मतलब 5 इसके अंदर है, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये तो वह कौन सी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, देखिए कोई भी संख्या नहीं दिख रही, एक के अलावा कोई भी नहीं दिख रही, तो आप इनका डायरेक्ट क्या करें आपस में मल्टीपल करें। सबसे पहले ये चेक करना है क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, 5 देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा 15 को, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दी, कहने का मतलब 5 इसके अंदर है, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये तो वह कौन सी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, देखिए कोई भी संख्या नहीं दिख रही, एक के अलावा कोई भी नहीं दिख रही, तो आप इनका डायरेक्ट क्या करें आपस में मल्टीपल कर लीजिए, जब मल्टीपल करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 120, वह छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी, जो इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या बड़े इसका फैक्टर करके भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तीन तरीका मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के
प्लेलिस्ट में जाकर आप एलसीएम और एससीएफ चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जिसकी 4 से 5 वीडियो बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी 5 और 13 के बीच में सभी सम संख्याओं का आपसे क्या पूछा गया, लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों के बीच में कितना जाएगा, और 12। इन सभी का पूछा क्या आपसे, एलसीएम आपसे पूछा गया, तो इनका एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे क्या। 6 देखिए इसको पूरा पूरा डिवाइड करा, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दीजिए। अब ये 3 नंबर बचा, तो इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देखिए ये कितने से कट रहा है, 4 से, ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से डिवाइड कर 4 दुना 8, ये 12 दुना कितना हो गया, 24। 12 दुना 24, अभी ये 10 बचा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी एक को डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दूंगा 12 बार में, और इनका मल्टीपल कर दो तो कितना मिल जाएगा, 120। यानी इन तीनों संख्याओं का, सॉरी इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 है। ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या इसे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, आपको ये चेक करना है, कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो आप इस तरह से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाती है। देखिए आपको करना है कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको करना है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। अब ये कहा गया कि अगर वृद्धि कर दी जाए, अगर उस संख्या में ये कर क्या रहा है, वृद्धि कर रहा है, अगर वृद्धि करने पर, ठीक है, वृद्धि करने पर यानी इन सभी से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको करना क्या है, इन सभी के एलसीएम निकाल करके, एलसीएम निकाल करके उसमें से 5 आप घटा लेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी, वो संख्या कौन सी होगी। अगर आप इन सभी के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो भी आएगा उसमें से 5 आप घटाना, या एलसीएम निकाल के मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, 12 है ये, 18 है, और ये कितना है, 30 है। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, या इन दोनों का भी आप एलसीएम ले सकते हैं, किसी दो को आप पकड़ लीजिए, इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों को ले रहा हूं, 6 3 18, 6 5 34, 6 3 18 3, और इन दोनों का एलसीएम लूंगा कितना, 90 आ गया, और भी ये 12 बचा हुआ है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, ठीक है, 6 6 2 12 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, 6 कम 6 3 इधर गया, 6 5 30। अब ये 2 और 15 किसी और संख्या से तो कटेंगे नहीं, तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 6 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 9 दुना कितना हो गया, 18, ठीक है, यानी वह संख्या आपको पता चल गई। अब ये कहा गया जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह इतने इतने से विभाजित हो जाए, ठीक है, यानी यह संख्या तो मुझे पता चल गया, लेकिन अगर आप करेंगे इसमें हम लोग 5 घटा लेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 5 घटा लेंगे, ये तो मैंने बताया एलसीएम निकाल करके 5 घटा लेंगे तो वह संख्या आपको पता चल जाएगी 175। फिलहाल देखिए 175 ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखिए करना क्या, आपको एलसीएम लेने के बाद 5 घटाने के बाद ही तो ये आया होगा, एलसीएम में से 5 घटाने के बाद ये इस तरह से ऑप्शन दिया गया। हम लोग करेंगे प्रत्येक ऑप्शन में क्या कर दे, 5 जोड़ दे, प्रत्येक ऑप्शन में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 आपको इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, 120। इसमें 5 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। इसमें इंक्रीज कर देंगे 5 तो कितना हो जाएगा, ये इतना, क्लियर है, 5 5 मैंने सभी में ऐड कर लिया। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यानी ये वाला, ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो किसी एक संख्या का हम लोग करेंगे फैक्टर कर लेंगे, अगर मैं इसका फैक्टर कर लूं तो 9 दुना 18, ठीक है, यानी जो संख्या 9 से कटेगी और 2 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगी, 18 से भी डिवाइड होगी।
तो सबसे पहले 200 चेक करते हैं, तो 200 देखिए सभी ऑप्शन कट रहे हैं, 200 तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं। अब 900 चेक किया जाए कि 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर आप 9 से विभाजन का नियम देखेंगे तो अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से भी कटेगी। देखिए इन दोनों का ऐड करेंगे, 8 कितना हो गया, 9 हो गया, ये तो कट रहा है। इसको चेक करते हैं 2 1 3, ये कटेगा नहीं। इसको चेक करते हैं 4 2 6, ये भी नहीं कटेगा, और ये 2। तो यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी, आप बता सकते हैं कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी। इस तरह से आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने ये तरीका बताया, प्रत्येक में 5 5 5 जोड़ करके आपको ये चेक करना कि कौन सा ऐसी संख्या, कौन सी ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होगी। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं, किसी एक संख्या को आप पकड़ सकते हैं और उसका फैक्टर करके पता आप कर सकते हैं। अगर जैसे आपने इसका फैक्टर लिया, तो मैं मान लो इसे सभी ऑप्शन कट रहे हैं, तो आप किसी दूसरी संख्या को ले लीजिएगा, चाहे इसको ले लीजिएगा चाहे इसको, करके इस तरह से फैक्टर करके फिर से चेक करिएगा कौन सा ऐसा कट रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने मिनटों के बाद वे फिर से एक बार एक साथ बजेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, एक साथ कब बजेंगे, इसमें आपसे ये पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, इन सभी का एलसीएम निकाल करके, ये सेकंड दिया है ना, तो इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है, 6 8 10 और ये 12। तो सबसे पहले ये देखिए 6 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, ये चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है, एलसीएम और एससीएफ चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकालना आप सीख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको और इसको देख लेते, 4 से ये भी कटेगा, 4 2 8 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे 24 हो गया, और ये 10, 24 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 24 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किससे काटिए, 12 बार में कटेगा, इसका गुणा कर लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 120। मैंने क्या बताया, ये जो एलसीएम आया ये आपका सेकंड में आया, तो इसे जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है आपको, 60 से डिवाइड करना है, तो कितना मिनट मिल जाएगा, ये 2 मिनट। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट के बाद वे एक साथ क्या होंगे, फिर से बजेंगे। इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा है। ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, सीपीओ में पूछा है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 54 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखिए पहला तरीका ये कि आप इसे एलसीएम निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो वो प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। हम लोग करते कि इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जो भी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी, ये जो भी संख्या होगी होंगी वो क्या होगी, 24 से भी डिवाइड होना चाहिए, 36 से भी डिवाइड होना चाहिए, 54 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करें क्या, इसमें से किसी एक का फैक्टर करते हैं, जैसे मैं 36 का ले रहा हूं, तो 36 का फैक्टर इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे इसमें 9 मिलेगा, 9 से संख्या पता करने में आसानी हो जाएगी, कौन सी संख्या 9 से कटेगी, इसलिए मैं 36 का फैक्टर कर रहा हूं। ठीक है, 9 चौको 36, 9 का फैक्टर कर रहा हूं। ठीक है, 9 चौको 36, 9 इसलिए ले रहा हूं ताकि 9 से मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगी कौन सी संख्या कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। देखिए 4 से सबसे पहले चेक करेंगे तो 4 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, इसको चेक करेंगे तो 4 2 8 है, इधर गया, ये तो कट नहीं रहा। ठीक है, ये आपका होगा नहीं, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, इसको चेक करते 4 एकम, ये भी 4 से कट रहा है। अब हम लोग करते क्या, 9 से चेक करते, तो 9 से विभाजन क्या नियम होता है कि अंकों का योग, देखिए ये 9 9 हो गया, ये तो कटेगा, 6 3 9, यानी ये संख्या तो 9 से कटेगी, इसको चेक करते हैं, 9 9 हो गया, 4 2 कितना हो गया, 6 6, तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ये भी देखिए 9 हो गया और ये 6, तो 6 कटेगा नहीं। ठीक है, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे में आपका ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी ये लग गया, अगर आप इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो इसका मेथड होता है उससे सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे बेहतर है कि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 20 20 20 20 में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो।
इसका मतलब ये है कि पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 से डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड, यानी इन सभी से आपको डिवाइड करना है, यानी इन सभी से डिवाइड हो वह संख्या आपको पता नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे मेथड से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग करेंगे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको करने के किसी संख्या का फैक्टर करिए, अगर देखिए मैं फैक्टर करूं तो इसका वही इस वाले का फैक्टर करूं, ठीक है, किसी का कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका करूंगा तो इसमें 3 मिलेगा और मुझे 4 मिलेगा, ठीक है, 3 और 4। तो हम लोग ये पता करें कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। जैसे इसको चेक करते हैं, 9 तो 3 से डिवाइड होगा, ये भी ये, यानी 3 से ये डिवाइड होगा। जैसे 9 3 से कटेगा, ये भी कटेगा 3 से, ये भी कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, ये संख्या ही पूरी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। इसको चेक करते हैं, ये देखिए तो 9 9 तो कटेंगे 3 3 से, लेकिन 4 बचा, क्या 4 3 से कटेगा क्या, नहीं, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। 8 भी नहीं कटेगा, ये तो कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये 3 3 कट जाएंगे, 5 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे में पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी आपको सबसे छोटी संख्या बताना है जो इन सभी से क्या, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अगर आप इसे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन सभी का एलसीएम निकाल करके, और जो 5, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, इसमें करना कि आपको एलसीएम से डिवाइड करना, ठीक है, इसमें करना कि आपको एलसीएम से डिवाइड करना, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करिए। आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो किसी एक का चाहे तो आप फैक्टर कर सकते हैं, जहां से आपको 3 मिले, किसका फैक्टर करेंगे 3 मिलेगा, देखिए इसका फैक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 2 × 3, देखिए 2 से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, अब मुझे 3 से चेक करना है, तो 3 से विभाजन का नियम कि अंकों का योग, तो यहां से करेंगे 6 2 8 8, क्या 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 4 2 6 1 कितना हो गया, 7 7 भी 3 से नहीं कटेगा, 8 1 9 ये कटेगा, इसको चेक करते हैं, 6 1 7 ये नहीं कटेगा, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी तेल व्यापारी के पास 3 3 किस्म के तेल की इतने और इतने और इतने की मात्रा में है, ठीक है, यानी ये अलग अलग माप है आपको दिया गया है। अब ये कहा गया तेल में अलग अलग भरने के लिए, अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एससीएफ का जब चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराया। ऐसे क्वेश्चन करते क्या, सबसे पहले इन सभी का क्या निकालते हैं, एससीएफ निकालते हैं, तो आप लिख लीजिए यहां से कितना, ये 432 और ये 500 कितना, 94 और ये 702, इन सभी का एससीएफ निकालना। तो आप एससीएफ दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मैं घटाने वाले मेथड से निकाल रहा हूं, कितना ये 432 है और ये 594, ये कितना 702। हम लोग क्या करते हैं, घटाने वाले मेथड से इसका एससीएफ निकालते हैं, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 261 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये यहां से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 0 और ये कितना 1। अब इसके बाद करते हैं कि अब इन दोनों को भी हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 54, क्लियर है, 54 मिलेगा। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, यही भी आप पता कर सकते हैं, या अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या यही भी आप पता कर सकते हैं, संख्या तो अब छोटी हो गई, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, आप बता सकते हैं कि 54 54 से ये दोनों कटेंगे, ठीक है, 54 से देखिए दोनों कटेंगे, तो इन दोनों का एससीएफ, यानी कि इन तीनों का एससीएफ कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऐसे यहीं से पता कर लीजिए, अगर इसको आप घटा दिए हैं तो क्या करना, आप इसका फैक्टर करिए, अगर आपने घटा दिया है तो इसका करना क्या, आपको फैक्टर करना है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 × 6। अब आपको चेक करना है कि देखिए क्या
नौ से ही कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, कौन कौन से कट रहे हैं, और छह से भी कौन कौन से कट रहे हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से नौ से चेक करिए तो नौ नौ पच्चे नौ कितना नौ चौको छत्तीस हो जाएगा, नौ नौ पच्चे नौ कितना नौ चौको छत्तीस हो जाएगा, नौ नौ चौको छत्तीस, नौ पच्चे पैंतालीस तो ज्यादा हो जाएगा, नौ चौको छत्तीस, छत्तीस और चार तीन सात जगह नौ अठे बहत्तर, नौ से कट रहा है तो इससे काटेंगे तो इससे भी कटेगा। ठीक है, यानी कि अब देखेंगे आप फिलहाल दोनों मिला के देखेंगे तो कहने का मतलब है कि नौ से भी प्रत्येक संख्या कटेगी, चेक कर लीजिए, नौ से भी कटेगी और छह से भी कटेगी, तो इनका एस कितना आ जाएगा, ये चौवन ही आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट यहीं पर इन दोनों के एस से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, एस से आप पता कर सकते हैं। अब देखिए मुझे इनका अगर एस से पता चल गया है, ये क्या मिल गया है, एस सी एफ मिल गया है। अगर एस सी एफ पता चल गया है तो एस सी एफ से करना क्या आपको, एस सी एफ से क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, आकार के पत्रों की संख्या पता करने के लिए एस सी एफ से डिवाइड कर दीजिए, चौवन से इसमें डिवाइड कर दीजिए, चौवन से इसमें डिवाइड कर दीजिए और चौवन से इसमें आपको डिवाइड करना है। अगर आप चौवन से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ चौको बत्तीस, आठ पांच चालीस, कितनी बार में कटेगा, ये आठ बार में कट जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, ग्यारह चौको चौवालीस और ग्यारह पच्चे पचपन, ये ग्यारह बार में कट जाएगा। ठीक है, ग्यारह बार में कटेगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, इससे इसको डिवाइड करिए तो तेरह चौको बावन हो गया और तेरह पच्चे पैंसठ, पैंसठ ये तेरह बार में कट जाएगा। ठीक है, तेरह बार में कटेगा। तो देखिए आपको अलग अलग पात्रों यानी जो अलग अलग माप होंगे उनकी उनकी संख्या आपको पता चल गई। ठीक है, यानी ये आठ बार में मापा जाएगा और ये ग्यारह बार में, और ये कितनी बार में, ये कितनी बार में मापा जाएगा, ये तेरह बार में मापा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या, अलग अलग जो बराबर बराबर आकार के पात्रों की संख्या, ठीक है, अगर इसको मापेंगे तो आपको ये भाग इतनी बार जाएगी, इतनी 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 बार जाएगी। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन का मैच करा। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको इन सभी के एस एफ निकाल करके इसी में डिवाइड कर देना है तो आपको क्या पता चल जाएगा, आकार के पात्रों की संख्या आपको पता चल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर टेन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई, एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतने इतने सेंटीमीटर में दी गई है, तो सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं जिससे बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सके। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है, इन सभी के एस सी एफ निकालना है, एस सी एफ से इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है, सर इसका आपसे पूछा गया, आपसे बस यही पूछा गया, सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं जिसमें बॉक्सों की